हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। वो 15 सवाल जिनसे सबसे ज्यादा घबराते हैं संघी और नहीं होता एक भी सवाल का जवाब। आरएसएस क्या है और इसका एजेंडा क्या है, इसका निरीक्षण कुछ सवालों से लगाया जा सकता है। आप इन सवालों को सोशल मीडिया में या किसी और मंच से संघी या संघ के मुख्य कार्यकर्ता से पूछ सकते हैं, जिसका जवाब वो कभी भी नहीं दे पाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा आरएसएस या संघ परिवार मुस्लिम और ईसाई विरोधी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक सवाल है जिनका उनके पास जवाब नहीं है और वो ये कि ऐसा उन्होंने अंग्रेजी शासन के दौरान क्यों नहीं किया। 1817 में पेशवा शासन की समाप्ति और ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत के दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों का खूब धर्मांतरण किया। अंग्रेजों ने भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया, लेकिन चौंकाने वाली बात ये कि 1925 में जब आरएसएस का जन्म हुआ तब उसने ये मुद्दा अंग्रेजों के खिलाफ क्यों नहीं उठाया। 1925 से 1947 तक आरएसएस ने कोई भी आंदोलन इस धर्मांतरण के खिलाफ क्यों नहीं चलाया। आजादी की लड़ाई में कौन से संघ के नेता को जेल हुई या इस दौरान किस नेता को फांसी दी गई। 1925 से आजादी की तारीख तक चले किसी भी आंदोलन में संघ का कोई स्वयंसेवक या सर संघ चालक ने भाग क्यों नहीं लिया और आजादी के आंदोलन का विरोध कर अंग्रेजों की तरफदारी क्यों की। जिस वक्त भारत गुलाम था उस वक्त गौ हत्या भी जमकर हुई, तो उस समय गौ हत्या को लेकर कोई भी शब्द क्यों नहीं कहा संगठन ने। भारतीयों में ब्राह्मण 3% हैं, लेकिन एससी एसटी ओबीसी लगभग 85% हैं। अब बताइए संघ के 6 सर संघचालक में से कितने ब्राह्मण हैं और कितने गैर ब्राह्मण हैं, या फिर कितने सर संघचालक एससी एसटी या ओबीसी हैं। संघ खुद को हिंदू संगठन कहता है, तो ये बताइए कि जो आरक्षण भारत की 85 आबादी को मिला हुआ है उसका विरोध क्यों करता है। उस 85% आबादी में एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के लोग आते हैं। संघ ओबीसी एससी एसटी को हिंदू मानता है, जो कि है भी, लेकिन इसके बावजूद भी संघ का कोई भी नेता इस समुदाय से नहीं होता, क्यों। 1925 से लेकर अब तक आरएसएस में कोई भी महिला सर संघचालक क्यों नहीं बनी। इस तरह से क्या संगठन महिला विरोधी नहीं हुआ। संघ में और संघ परिवार के संगठनों के नेताओं में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण की कितनी सामाजिक भागीदारी है। अछूत माना गया समुदाय अगर हिंदू है और संघ भी हिंदूवादी संगठन है, तो नासिक के काला राम मंदिर प्रवेश के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के आंदोलन का संघ ने विरोध क्यों किया। आज़ादी की लड़ाई के दरमियान स्वयं सेवक ने किसी भी नेता ने वंदे मातरम का नारा क्यों नहीं लगाया। संघ नागपुर स्थित अपने कार्यालय में तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराता। 1980 में जब देश आरक्षण की आग में जल रहा था और माहौल इतना तनावपूर्ण था, तो वक्त संघ ने बाबरी मस्जिद वाले मामले को हवा क्यों दी। संघ राष्ट्रवादी संगठन है या जातिवादी संगठन, इस संगठन के उच्च पदों पे ब्राह्मणों का वश्चर्व क्यों है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।